तो आवास बनने वो बनने चाहिए, ओके, धोखा नहीं लगना चाहिए हमें। हम तो हर बार के अपनी पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहे और रहेंगे। 20 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं, किधर की तरफ जाएंगे वोट? हम तो मोदी को देते हैं, योगी मोदी को, और हमेशा ही देंगे, हमेशा देंगे। तो कोई बात नहीं यार, ना मकान में रहे तो टूटी झोंपड़ी में रह लेंगे, पर वोट मोदी को ही देंगे। सारा पूरा गाय खा जाए, वोट मोदी को ही देंगे। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर भुखमरी हो जाए, लोक परिवार के निपट जाए, वोट मोदी उन्हीं को देंगे। सड़कें टूटी हुई हो, दुर्गम रास्ते हो, वोट मोदी को ही देंगे। और छोटे बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएं, बिल्कुल शिक्षा की धज्जियां उड़ जाएं, वोट मोदी को ही देंगे। मैं पुरस्कार दिलवाऊंगा। ये जयसिंह भाई है, इनको मैं भारत सरकार तक आपकी बात को रखूंगा। और तुम्हारे जैसे अंधभक्त अगर कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों भाई साहब, वोट मोदी को ही देंगे। देहात में तब देंगे जब दूसरी बार सरकार बना देंगे। हाँ, तो दूसरी बार फिर बनेगी क्या? हर बार बनवा रहे हैं कि हम तो कहते देहात के लोग हैं, योगी मोदी को ही जिताते हैं और क्या हर बार। हाँ, तो जो वादे किए थे पूरे कर दिए? कहाँ पूरे किए हैं, कुछ नहीं होता है। मान लो कि आवास मिलेंगे, देहात में कुछ नहीं मिला है। ऐसे 15 लाख हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ऐसा अब भी चल रहा है। सब अपने अपने मतवाल को अपना अपना मतवाल हल करते हैं। आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के मंदिर बन गया तो हाँ, दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है, दिक्कत कैसे नहीं है? क्या दिक्कत है? दवाई गोली तक को पैसे नहीं है, क्या चीज खाएं, क्या कहाँ रहें, कोई सुनता है हमारी? बुजुर्गों की। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूँ कासगंज विधानसभा के गाँव महेशपुर में, और यहाँ पर जन सैलाब खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग। और मुझे तो एक व्यक्ति यहाँ पर ये नीला झंडा हादी निशान का भी लोगों लगाए खड़ा है। लेकिन हम उन जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे जो चुनावी दंगल चल रहा है, चुनावी माहौल है, और 20 फरवरी को लोगों को मतदान करना है। हम जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? रामभक्ति। 20 तारीख को महिलाओं को वोट डालना है, पुरुषों को वोट डालना है, जो जिम्मेदार लोग हैं सभी वोट डालना है, सभी लोगों को। तो इस बार क्या चाहती हैं आप? बीजेपी सरकार ने बहुत सारा फायदा किया, लाभ दिया, अनाज दिया लोगों को, क्या चाह रही हैं आप इस बार? जय मुड़ा बहन जी को वोट दे देंगे। कौन बहन जी? मायावती। मायावती जी, उन्हीं को देंगी वोट? क्या नाम है? ये मुझे लग रहा है आप इनसे डर कर बोल रही हैं। किनसे? इनसे। हम कहाँ से डर के ना बोल रहे हैं? ना बोल रही। हाँ। नहीं, ऐसी क्या खास बात है बहन जी में जो आप बहन जी को वोट देना चाह रही हैं? सही है बहन जी, अपनी जगह पे बढ़िया है, अपनी जगह बढ़िया है। वो दिल्ली में, लखनऊ में बैठी है तो बढ़िया है। चलिए ठीक है, माता जी ने कह दिया कि हाथी वालों को देंगे वोट। चचा बड़े मुरझाए से क्यों खड़े हो? नहीं नहीं साहब, सीधे अच्छा, हमारे लिए रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, वो अच्छी सरकार बने, अच्छी सरकार बने। और बच्चों की शिक्षा, जो पढ़ाई लिखाई बहुत खराब हो गई है, बच्चे बिल्कुल खराब में हो गए, पढ़ाई लिखाई खराब हो गई, और शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए और सरकार बढ़िया आनी चाहिए। तो सरकार तो कह रही है, वर्तमान सरकार कह रही है हम सबके साथ, सबके विकास की बात कर रही है। सरकार को हम तो बदलेंगे, बदलेंगे। हाँ, क्यों बदलेंगे? इस वजह से कि जो रोजगार सारा ही खत्म हो रहा है, और लॉकडाउन में सब लॉकडाउन में महंगाई बढ़ रही है, और 200 रुपए किलो तेल चल रहा है, 200 रुपए किलो तेल है, पेट्रोल भी 100 रुपए लीटर है, 87 रुपए लीटर डीजल है। ओहो, तो डीजल का तुम्हें क्या करना है? मत क्या करना जो नहीं है, खेती नहीं बोनी, खेती में हल चलाइए पहले, हल चलाई, हल है ही नहीं वो पशु, अरे गाय और पशु सब खेतों को खाए जा रहे हैं हमारे को, खा गए खेत। हाँ, सब खा गए, फिर क्या करते हो? अब क्या करते हैं तो रखा रहे हैं, रात को रखाते हैं, रखाते रातों को, पूरी रात जगते हैं। भैया मैं जिससे पूछूंगा वो बताना, सबका नंबर आएगा, परेशान मत होइए। हाँ, तो कैसे रखाओगे खेतों को? मढ़िया डालते हैं ऊपर। अच्छा, फिर तब रात में जगते हैं। अरे आनंद आता है रात में जगने का। नहीं, ठंड में मर गए, ठंड 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 खा जाती है, ऐसी हालत हो गई। तो ऐसी परेशानी भरे रास्ते से गुजर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, सरकार कोई आवे सरकार बदलनी चाहिए। सरकार, इस सरकार से हमें बहुत नुकसान है। इस सरकार से फायदा कौन सी सरकार देगी आप? हमारे लिए बहन जी चाहिए। बहन जी? हाँ। क्या नाम है बहन जी का? मायावती। बहन कुमारी मायावती। अरे काफी जुनून और चोस देखने को मिल रहा है बच्चों में। भाई क्या नाम है सर? मेरा नाम पप्पू सिंह है। पप्पू सिंह प्रधान? अरे नहीं सर, नहीं। अच्छा, ये यहाँ तो सब बेरोजगार में गुजर रहे हैं सब लोग, और बहुत परेशानी है अभी इस टाइम। ये गुंडी सरकार है, आए दिन लोगों की मौत हो रही है, ये पुलिस कस्टडी में आदमी मारे जा रहे हैं। और अभी अभी की बात है,
जखेरे में ही अभी हमारे पड़ोस में मार दिया था एक आदमी, तो ये सरकार ठीक ठाक नहीं है काम कर रही। घोड़ी तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अरे क्यों नहीं, कासगंज में दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने? हाँ उधर। अरे तो फिर बोलिए यार, बोलते क्या नहीं? एक जगह था घोड़ी पे जाना, पूरा एड्रेस बताइए। आज भी 100 पुलिस कर्मियों के साथ में घोड़ी पे चढ़ने दिया दलित। अरे पूरा मामला बताइए, क्या मामला है? तो यही मामला है, दलितों को नहीं चढ़ने दे रहे घोड़ी। घोड़ी किसकी हैसियत है संविधान के सामने घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिए दलितों को? मेरा नाम है श्री भूरेलाल जी। भूरेलाल? हाँ जी। श्री अपने ही आप लगा लिया? और क्या लगाऊंगा, नहीं बिल्कुल लगाऊंगा, है तो लगाऊंगा नहीं श्री। और क्या जी, मैंने नहीं लगाया, मैं लगाऊंगा। खुद ठोक दिया श्री? बिल्कुल जी। श्री भूरेलाल, देखिए ये मोदी और योगी की सरकार में क्या हुआ था, हम मजदूर लोग काम कर रहे हैं, 60 रुपए पुलिस वाले आ रहे हैं, डंडा मार रहे, भागो यहाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, काम पे बाहर के भगा दिए। कर्जा क्या करते हो आप? हम मिस्त्री का काम करते हैं। काफी जोश और जुनून है और देखते हैं क्या बात करेंगे। जी साहब, मेरा नाम अतर सिंह है जी। मैं बहन जी की सरकार चाहता हूँ, इस बीजेपी सरकार से बहुत पीड़ित हैं लोग जी। ये दबंगी की हर ठिकानी दिखाते हैं, यानी हर जगह दबंगी चलती है, इनके लोग भी विधायक होते हैं आसपास में, तो वो दलितों को बहुत कस्टडी में अपनी में रखते हैं और अत्याचार रखते हैं। अच्छा, इस बीजेपी सरकार से दलित क्या और भी लोग सब पीड़ित हैं, सभी जातियां इससे पीड़ित हैं। तो फिर क्या करेंगे इस पीड़ा से बचने के लिए? इस पीड़ा से बचने के लिए बहन जी को सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे और बीजेपी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना है। बिल्कुल बीजेपी को उखाड़ना है जड़ से। कितने वोट है तुम्हारे? जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। मायावती, मायावती, मायावती। साहब बड़े सुंदर से लग रहे हैं आप, बड़े मौन लग रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल लाफिंग बुद्धा की तरह शांत चित खड़े हुए हैं आप। सरकार बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए? सबके साथ सबके विकास की बात चल रही है। ऐसे का जी समझे का किसानों का जी समझे, गेहूं 1500 कर दिया, किसानों ने गेहूं नहीं करा, 1500 को भसवाएगा तेज। अच्छा हाँ, कहाँ खवाएं हम? और जी समझे सरसों हैं, जब 5000 खरीदते थे तो जी समझे को अब जी समझे को अब 7000 है, 200 रुपये किलो तेल है। अरे तो तुम्हें फायदा है, जब तेल महंगा होगा तो सरसों महंगी होगी, तो मद्दी कहीं तब मध्य में खरीद देते। कौन खरीद रहा है? कौन बनिए? छोटे लाल छोटे। हमारे लिए जी बहुत ज्यादा परेशानी अधिकतर है। किसने कर दी परेशानी? इसी सरकार ने, मोदी योगी जी ने जी। गैया बछड़ा खेतों में ज्यादा मारते फिरते हैं। हम लोग मजदूर पार्टी के आदमी है, मजदूरी करने जाए कहीं मजदूरी नहीं मिलती, कहीं पैसा नहीं मिलता। गांव में आ जाए गैया बछड़ा बहुत ज्यादा हम लोगों की खेती में नुकसान कर रहे हैं। कितनी खेती है तुम्हारी? हम 2 बीघा 2 बीघा खेती है और कोई है। और 2 बीघा में कितने सांड और गाय आ जाए? हाँ, 10-20 रोज सभी लोग रखाते हैं, नहरा खेतों में पाल रहे, खटिया नहरों में डाल लिए, और ज्यादातर परेशानी ज्यादा है जी हम लोगों के लिए। और इस सरकार को भी बहुत सी हम तो बार बार धन्यवाद देते हैं इस सरकार के लिए, क्या हमारी एक आम रास्ता है, इस रास्ता के लिए दुनिया में भटकते फिरते हैं। इस सरकार ने हमारी कोई इस रास्ता की भी सुनवाई नहीं की। नहीं सुनी? नहीं सुनी साहब। तो अब क्या करेंगे 20 को? हम तो ये कहते हैं यह सरकार बननी चाहिए, बहन मायावती की सरकार आनी चाहिए। मामला तगड़ा है। तगड़ा? हाँ। कौन है प्रत्याशी? मोहम्मद आरिफ। क्या करेंगे उनको? हम तो ये चाहते हैं हमारी सरकार बन जाए तो हमारी इस रास्ता की जो सुनवाई हो ही जाए। तो काफ़ी बुजुर्ग लोग पीछे बैठे हुए हैं, आइए मैं अपने साथी से कहूँगा वो पीछे आए। और चाचा क्या नाम है आपका? इधर देखो क्या नाम? मैं डाढ़ से परेशान हूँ। डाढ़ से परेशान है? अरे डाढ़ से परेशान है, सरकार का मामला है। बोलो। हाँ बोल बोलो। क्या लग रहा है आपको 20 तारीख को? 20 तारीख को? 20 तारीख को वोट पड़ेंगे और क्या होगा? पड़ेंगे। हाँ। कर रही पे। और क्या तगड़े? अरे भक्त तो बता रहे हो डाल में दर्द है, डाल में दवाई 20 को। ऐसी क्या सुविधा व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकार की जिसके लिए आप मतदान करने जाएंगे? क्या मन में सोच के जाएंगे, क्या सोचेंगे कि हम ऐसे आदमी को जिताएं? हम ये सुविधा से जाएंगे के समझ लो हमारी मायावती जीते ऐसे, तो हमें लोगों को बच्चों को पढ़ाई लिखाई काम मिले तो बच्चों को अच्छा अच्छा काम बढ़िया। इस सरकार में नहीं है काम? इस सरकार में कहाँ है, बच्चे चादर फैक्ट्री में काम करते हैं और 4 दिन बाद नौकरी देंगे, 4 दिन खाली बैठो तो क्या खाएंगे बच्चे, किराया तक चढ़ रहा है ऊपर। जबरदस्त कह दिया आपने, कहाँ बच्चे काम करते हैं? नोएडा में। कितने बच्चे हैं आपके?
बच्चे तीन हैं, दो काम कर रहे हैं। दो काम कर रहे हैं, हाँ। तो आप इससे आहत हैं, दुखी हैं, बच्चे बेरोजगार हो गए? हाँ, बेरोजगार हैं सर, बिल्कुल। सरकार बंद नहीं है, सरकार बदलेगी। काफी लोग बैठे हुए हैं, और भी बुजुर्ग हैं, बात करेंगे। चाचा क्या करूंगा साहब? अरे चाचा बोल दीजिए। कसो ना, मैं पढ़ोले को था, पढ़ोले को ना हूं। वोट डालने जाओगे? वोट पढ़ाई से कोई मतलब? अंगूठा टेका हूं, अंगूठा टेक जे मैं जे द पढ़े हुए ने कहा। अरे चाचा सर पे हाथ क्यों रख लिया आप? क्यों गुस्से में हैं? सबके अधिकार की बात है, मतदान सबका अधिकार है। जब आप वोट डालने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं, क्या होना चाहिए जो हम अपने अच्छे आदमी को वोट दें? सही, क्या सही है? सही है, कोई कछु करता है, कोई कछु करता है, कोई खेती करता है, कोई दो बीघा जमीन जोतता है, कोई कछु करता है, कोई मजदूरी करता है, सब काम चल रहा है, काम चल रहे हैं। लेकिन जब अच्छी जो ऊपर लखनऊ में बैठ के जो काम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? वो तो बढ़िया है, काम है बढ़िया। कैसा बढ़िया? जी सब लोग आए तो हमें तो चलना चाहिए सड़क पर, साथ चलेंगे, समाज बोलेगा उसी के साथ की बात करेंगे। महाराज क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम रामदीन। रामदेव साहब, हाँ। आप मौन हैं और बच्चों को देख रहे थे, हाँ। चेहरे से हाथ हटा ले, हाँ। और आप एकदम शांत चित होकर देख रहे हैं, काफी आध्यात्मिक मुझे मालूम पड़ते हैं। तो 20 तारीख को तो आपको पता ही है, मतदान महादान, सबसे बड़ा दान करने जाएंगे, महादान करेंगे और अपनी मन की सरकार बनाएंगे। जब आप सरकार बनवाएंगे तो ऐसी क्या चीज होनी चाहिए सरकार में? हमको तो कोई चीज की सुविधा मिलती नहीं है जी, न तो राशन मिलता है, न मिट्टी का तेल मिलता है, हमको कोई चीज नहीं मिलती है, तो हम तो किसी की सरकार को नहीं देंगे वोट, नोटा पे डालेंगे और क्या। ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी आप, हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। आखिर ऐसा क्यों? आप अपनी सरकार चुनिए जो आपका पूरा ख्याल रखेगी। हमारे सरकार कोई नहीं सुनती है, जो सरकार आती है तो भाई मतवल को आती है, हमारी कोई नहीं सुनती है, हम किसी का वोट नहीं डालेंगे। पिछली बार बड़े धार्मिक मामला सुना था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ऐसा अब भी चल रहा है। सब अपने अपने मतवल को अपना अपना मतवल हल करते हैं। आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के मंदिर बन गया तो हाँ, दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है, दिक्कत कैसे नहीं है? क्या दिक्कत है? दवाई गोली तक को पैसे नहीं है, क्या चीज खाएं, क्या कहाँ रहें, कोई सुनता है हमारी? बुजुर्गों की पेंशन का प्रावधान है, हाँ, पर कोई पेंशन वगैरह नहीं है। राशन की बात है, कोई राशन की बात है, सुरक्षा का बात है, चिकित्सा की बात है, हाँ। तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सरकार नहीं सुनती है, और न अपना अपना मतबल हारा करा और भाज गए। देखिए इनकी सरकार चल रही है, इनकी, अरे इनकी सरकार चल रही है तब भी कोई सुनवाई नहीं है। आपको ठेस पहुंचा दी? हाँ, हमको ठेस पहुंचा दी, अपना मतबल हारा कर दिया और भाज गए। तो जो वायदे किए थे उन पे कसौटी, कोई वादा नहीं पूरा किया, झूठ बोलते रहे और क्या। इस वजह से जो है अब की वोट डालेंगे ही नहीं हम किसी का। वोट तो डालना आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अपने घर पे बैठे रहेंगे, नहीं डालेंगे किसी का वोट। तो साथियों दोस्तों, जैसा कि लोगों ने बताया कि झूठा आश्वासन देकर मतदान करा लिया और उसके बाद सुतक नहीं ली। कौन सा गाँव बताया? तो मैं हूँ महेशपुर, और पीछे महिलाएं खड़ी हुई हैं, मैं कोशिश करूंगा महिलाओं से बात करने की। तो आप अपनी सरकार को कैसा व्यक्ति प्रतिनिधि चुनना चाहती है? हमारी तो सरकार बढ़िया है, योगी की बढ़िया बढ़िया है। हमारी तो खाने को दे रही है, खर्चा दे रही है, बहुत बढ़िया है, फ्री हो योगी 20 साल तक। लेकिन बुजुर्ग तो कह रहे थे झूठा आश्वासन देके, जाके जैसी समाज है तैसी बात है, सब दुनिया एक ऐसी है थोड़ी ना है, अलग अलग है सबकी। तो वृद्ध कह रहे थे केसरिया रंग दिखाया और फिर ख्याल नहीं करा बुजुर्ग, सबका ख्याल है, गरीब अमीर का सबका ख्याल है। देख सकते हैं एक बुजुर्ग हैं और बर्तन भी हैं, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर सामान बेचने का काम कर रहे हैं, 2 जून की रोटी कमाने की बात है। चाचा क्या नाम है आपका? समीउद्दीन साहब। बर्तन काफ़ी बिक रहे हैं? कहाँ बिक रहे हैं, कम बिक रहे हैं बहुत नहीं, काफ़ी गली गली गांव जा रहे हो, त्योहारों का पर्व आ रहा है, चुनाव भी आ रहा है, ऐसे में हर जगह बैठने का मौका मिल रहा है आपको, तो इसका क्या लगता है जो सरकार ने पहले वायदे किए थे क्या वो कसौटी पे खरी उतरी? सही करे काम, सही कर दिए। तो मैं माल बेचना है इसलिए नहीं बोलोगे है? नहीं, सही करे, हमारे मकान ही बनवा दिए उन्होंने। अरे वाह, कितने झूठ बोले, क्या बोले, कितने रुपए मिले थे आप? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख मिले थे, अभी अगली किस्त आ रही है, क्लियर सब आ गई, तो काम बेहतर चल रहा है सर। बढ़िया, एक बार नाम और बता दें। समीउद्दीन। समीउद्दीन, पिता का नाम?
नसरुद्दीन, नसरुद्दीन साहब, समीउद्दीन वल्द नसरुद्दीन साहब ने बताया कि योगी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जिसने 2.5 लाख रुपए दिए, आवास बनवाया और बर्तन के लिए कोई रोजगार, वो तो मजदूरी है, कभी होती है कभी नहीं होती। नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह भाई क्या कह रहे थे आप? देहात में आवास मिलने चाहिए, वो कुछ नहीं मिले, क्यों नहीं मिल रहे? ये मोदी ने कहे मान लो कहे शहरों में आवास दिए, देहात में क्यों नहीं दे रहे? देहात में तब देंगे जब दूसरी बार सरकार बना देंगे। हाँ तो दूसरी बार फिर बनेगी क्या? हर बार बनवा रहे हैं कि हम तो कहे देहात के लोग हैं, योगी मोदी को ही जिताते हैं और कहे हर बार। हाँ तो जो वादे किए थे पूरे कर दिए? कहाँ पूरे किए हैं, कि कुछ नहीं होता है कि मान लो कि आवास मिलेंगे, देहात में कुछ नहीं मिला है। ऐसे 15 लाख हैं? हाँ। हमें कुछ नहीं मिला है। अरे 15 लाख की बात करी थी तभी तो वोट दिया था तुमने। अरे हमने तो वोट वैसे ही दे देते हैं कि अपनी के जात बरादरी पे मर रहे हैं हम तो। अच्छा हाँ, लेकिन धोखा हो जाता है। धोखा हो जाता है बस। दोबारा बोल दीजिए। हाँ, जो आवास बनने वो बनने चाहिए, धोखा नहीं लगना चाहिए हमें। हम तो हर बार के अपनी पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहे और रहेंगे। 20 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं, किधर की तरफ जाएंगे वोट? हम तो मोदी को देते हैं, योगी मोदी को, और हमेशा ही देंगे। हमेशा देंगे तो कोई बात नहीं यार, ना मकान में रहे, छोटी टूटी झोंपड़ी में रह लेंगे, पर वोट मोदी को ही देंगे। कमाल कर दिया, चाहे गारा चारा पूरा गाय खा जाए, वोट मोदी को ही देंगे। जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद। चाहे स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर भुखमरी हो जाए, लोक परिवार के निपट जाए, वोट मोदी उन्हीं को देंगे। जिंदाबाद। सड़कें टूटी हुई हो, दुर्गम रास्ते हो, वोट मोदी को ही देंगे। जिंदाबाद। और छोटे बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएं, बिल्कुल शिक्षा की धज्जियां उड़ जाएं, वोट मोदी को ही देंगे। जिंदाबाद। तुम्हें मैं पुरस्कार दिलवाऊंगा। ये है, क्या नाम बताया? जय सिंह। देखिए जय सिंह भाई है, इनको मैं भारत सरकार तक आपकी बात को रखूंगा, और तुम्हारे जैसे अंधभक्त अगर कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों भाई साहब, वोट मोदी को ही देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है, इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जिंदाबाद।